हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एक्सप्लेन अबाउट दिस द चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। लेट्स गो स्टार्टेड ऑफ द टॉपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। इसके पहले हम लोगों ने क्या जो प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था, एक्सप्लेन किया गया। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिसमें कैलिक्स, करोला, एंडोशियम एंड गायनोशियम। कैलिक्स का भी हमने डिस्क्रिप्शन किया, जिसमें गेमोसेप्लस एंड पॉलीसेप्लस। करोला की भी हमने बात किया, गेमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस। अंडरस्टैंड, उसी तरह आपका जो है एंडोशियम एंड गायनोशियम की भी बात की गई, जिसमें कि गायनोशियम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ओवरी की कंडीशन देखी गई। उसके बाद एंडोशियम में एस्टिवेशन का नाम दिया गया। अंडरस्टैंड, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया है। अंडरस्टैंड, जो कि आगे चल करके जब हम फैमिली डिस्कशन करेंगे तो सारे पॉइंट जो हैं ये आपके इंडिकेट होंगे कहाँ पर, जब हम फैमिली का डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड, तो टुडे आई एक्सप्लेन अबाउट द फ्लोरल फार्मूला डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, कि टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट का डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे। अंडरस्टैंड, क्या क्या टर्मिनोलॉजी हमारी यूज होगी, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम यूज करके फ्लोरल फार्मूला बनाएंगे, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करके हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे, उसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या होगा, ये सभी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। अंडरस्टैंड, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले फ्लोरल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड इन सम सिंबल, कि फ्लोरल फार्मूला को कुछ जो है सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अंडरस्टैंड, कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि फ्लोरल फार्मूला को ही रीड नहीं कर पाते कि वास्तव में फ्लोरल फार्मूला है क्या, क्या क्या इसको कहा जाए। अंडरस्टैंड, अब ये कहा जाए कि यहाँ पर जो है इस तरह की कंडीशन, यहाँ उसके बाद ये रख दिया जाए EBR। अंडरस्टैंड, EBR, उसके बाद जो है यहाँ पर रखा जाए KCAG। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो क्या लिखेंगे कि यहाँ पर ऊपर की तरफ एरो दिया गया, नीचे प्लस दिया गया, ये EBR दिया गया है, और ये K है, ये C है, A है और G है। ऐसे नहीं, इसको हम एक बायोलॉजिकल सिस्टम से इसको हम रीडिंग करेंगे। अंडरस्टैंड, कैसे रीड किया जाएगा इसको, आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे, फ्लोरल फार्मूला प्रिपेयर करेंगे, कि एक फ्लावर को देख करके कैसे उसका फ्लोरल फार्मूला हम बना लेते हैं। अंडरस्टैंड, तो अब कंडीशन ये होता है कि इसमें, ठीक है, कि अब ये कंडीशन होती है कि इसमें कुछ जो है फार्मूले रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कैपिटल के रखा गया, के इज द स्टैंड फॉर कैलिक्स। अंडरस्टैंड, सी इज द स्टैंड फॉर करोला, टी इज द स्टैंड फॉर पेरियंथ। कहाँ मिलेगा आपको, लेलिएशी फैमिली में मिलेगा, जहां पर कैलिक्स एंड करोला आर नॉट आइडेंटिफाई। कि कैलिक्स मैंने फ्लावर को देख करके, लेलिएशी फैमिली में उसके प्लांट को देख करके, उसके फ्लावर को देख करके ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इसमें कौन कैलिक्स है और कौन करोला है। तो इस तरह की कंडीशन जहां मिलती है उसको एक टर्म दिया जाता है पेरियंथ। अंडरस्टैंड, तो इसको हम पी से डिनोट करेंगे पेरियंथ को। अंडरस्टैंड, ए इज इक्वल टू स्टैंड फॉर एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। अंडरस्टैंड, इसको हम नाम क्या देंगे, एंड्रोशियम। एंड जी इज स्टैंड फॉर गायनोशियम, गायनोशियम। अंडरस्टैंड, स्टैंड फॉर गायनोशियम। अब यहां पर जो है यदि मान लीजिए कि जी लिख करके उसके जो है बिलो, मतलब उसके अंडर सरफेस तो निचले हिस्से पर यदि डॉट कर दिया जाए कि ये जी है और यहां ऐसे डॉट किया जाए, तो इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, तो दिस सिंबल इज स्टैंड फॉर ओवरी सुपीरियर,
सुपीरियर ओवरी का इंडिकेशन है। और सुपीरियर ओवरी की कंडीशन क्या है कि जिस फ्लावर के थैलेमस पर ओवरी क्या कंडीशन हो उसके टॉप पर पाई जा रही हो। अंडरस्टैंड, जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है ये थैलेमस है और ये थैलेमस पर क्या प्रेजेंट है, ये ओवरी प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो है थैलेमस के टॉप पर प्रेजेंट है, ओवरी का सिचुएशन, ओवरी सिचुएटेड ऑन द थैलेमस ऑन टॉप पोजिशन, दैट इज नोन एज दिस टाइप ऑफ कंडीशन दैट इज नोन एज सुपीरियर ओवरी, उसको हम सुपीरियर ओवरी का नाम देते हैं। अंडरस्टैंड, और यही कंडीशन यदि मान लीजिए कि यहाँ जी राइट करके इसके जो है टॉप पर हमने क्या कर दिया, डॉट कर दिया, अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन क्या कहलाएगी, स्टैंड फॉर ओवरी इंफीरियर। अंडरस्टैंड, इंफीरियर क्या नाम दिया जाएगा, इंफीरियर, ये इंफीरियर ओवरी का सिंबल है, ये इंफीरियर ओवरी का सिंबल है और ये सुपीरियर ओवरी का सिंबल है। अंडरस्टैंड, केवल ये डॉट की पोजीशन क्या हो रही है, हमारी चेंज हो रही है। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन यदि निचले हिस्से पर हो तो वो हमारी ओवरी का सुपीरियर, मतलब ओवरी क्या है, सुपीरियर। अब ओवरी सुपीरियर को राइट करना है तो अब ओ वी ए आर वाई, ओवरी सुपीरियर मत राइट करिए, यहाँ पर सीधे आप जी लिखिए और यहाँ पर राइट कर दीजिए, ये सिंबल हो गया ओवरी सुपीरियर का। अंडरस्टैंड, और यही सिंबल हमने यहाँ से डाल करके यहाँ रख दिया तो ओवरी कैसी हो गई, इन्फीरियर हो गई। अंडरस्टैंड, तो ओवरी सुपीरियर एंड ओवरी इन्फीरियर, और इस तरह की कंडीशन यदि हो जाती है स्टैंड फॉर बाईसेक्सुअल, ये क्या कंडीशन है बाईसेक्सुअल की, तो बाईसेक्सुअल जितने अंगे डाइवर्सिटी होती है एंजियोस्पर्म की उसमें मैक्सिमम प्लांट जो मेजॉरिटी जो होती है बाईसेक्सुअल प्लांट की होती है। अंडरस्टैंड, तो बाईसेक्सुअल प्लांट का सिंबल हो गया कि ये बाईसेक्सुअल है। अंडरस्टैंड, जैसे यूनिसेक्सुअल होगा तो मेल एंड फीमेल क्या होंगे, सेपरेट इंडिविजुअल प्रेजेंट होंगे, सेपरेट बॉडी पर प्रेजेंट होंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर यदि मेल प्रेजेंट है तो उसका हम सिंबल क्या देंगे, ऐसे देंगे। अंडरस्टैंड, और यदि फीमेल है तो क्या कंडीशन देंगे, ऐसे देंगे। अंडरस्टैंड, ये मेल का सिंबल है और ये फीमेल का सिंबल है। अंडरस्टैंड, तो जहां पर ये दोनों कंडीशन हो जाए इस तरह की कंडीशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाईसेक्सुअल, मतलब मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल आर सेम प्लांट। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन हमारा क्या कहलाती है, बाईसेक्सुअल की कहलाती है। अंडरस्टैंड, अब यहां से कंडीशन ये आता है कि इसको कहते हैं हम कि इस तरह का पोजीशन दे दिया जाए कि यहां पर राउंड करके ऐसे कर दिया जाए प्लस का चिन्ह। अंडरस्टैंड, जैसे डॉक्टर वगैरह जो है यूज करते हैं, तो ये कंडीशन डॉक्टर वगैरह की, क्योंकि डॉक्टर भी तो डॉक्टर अब बने ही नहीं। अंडरस्टैंड, अभी तो प्रिपरेशन करना है डॉक्टर के, अभी 10th pass 12th pass करेंगे, पास आउट होंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तब ना डॉक्टर इस तरह का सिंबल आपको मिलेगा। अंडरस्टैंड, अभी इस सिंबल को जानना है कि इस तरह का सिंबल यदि कब लिखेंगे हम, इसको कब राइट करेंगे हम, जब आपकी सिमेट्री हमने बताया होगा, सिमेट्री, और सिमेट्री हम दो तरह की सिमेट्री बताए थे, कौन, एक्टिनोमार्फिक एंड जाइगोमार्फिक, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। अंडरस्टैंड, तो जो ये इस तरह का सिंबल होता है ये कैसा होता है, ये आपका दिया जाता है एक्टिनोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक मतलब ये आपका क्या हो गया, रेडियल सिमेट्री हो गया। अंडरस्टैंड, रेडियल सिमेट्री, ये कंडीशन क्या हो गई, रेडियल सिमेट्री की हो गई। अंडरस्टैंड, तो रेडियल सिमेट्री को मतलब एक टीनोमार्फिक यदि राइट करना है तो इस सिंबल को बनाएंगे। अंडरस्टैंड, तो ये सिंबल दैट इज नोन एज एक टीनोमार्फिक। अंडरस्टैंड, इसको नाम क्या देंगे हम, स्टैंड फॉर एक टीनोमार्फिक, या इसका नाम देंगे रेडियल सिमेट्री। अंडरस्टैंड, रेडियल सिमेट्री, अंडरस्टैंड, और इसका हम नाम कह देंगे जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक तो ये हो गया, ये कंडीशन हो गई एक्टिनोमॉर्फिक की, लेकिन ये कंडीशन कैसे हुई, परसेंटेज का सिंबल देगा, तो परसेंटेज का सिंबल जो देगा तो ये स्टैंड फॉर जाइगोमॉर्फिक। अंडरस्टैंड, जाइगोमॉर्फिक, तो ये क्या होगा, बाई लेटरल, बायलेटरल सिमेट्री, इसको बोलेंगे बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब कि इसमें जो है इसके सेंटर से चाहे आप कितना हो पार्टों में डिवाइड कर दे, इक्वल हाल में डिवाइड कर दे, उसको हम रेडियल सिमेट्री बोलेंगे, तो वो सिंबल कहलाएगा एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे,
इस तरह के जो है सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, अंडरस्टैंड। और जाइगोमॉर्फिक, जिसमें कि ये आपका जो है ये सेंटर है, तो सेंटर से टू पार्टों में ही डिवाइड किया जाए, एक आपका लेफ्ट और दूसरा जो है राइट, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन क्या होती है, जाइगोमॉर्फिक की होती है कि वहां पर उसके सेंटर से क्या किया जाए, इक्वल हाल में डिवाइड किया जाए टू पार्टों में, वन लेफ्ट एंड वन राइट। तो इस तरह का सिंबल हम क्या देते हैं, परसेंटेज का देते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये जो है हमारे हो गए क्या, सिंबल, अंडरस्टैंड। सिंबल के बाद की जो कंडीशन होगी वो सबसे पहले ये क्या होगी, हम इसमें थ्री फैमिली दिया है क्लास इलेवेंथ में। सबसे पहली फैमिली फैबिएसी, दूसरी फैमिली जो है मालवेसी, अरे सोलेनेसी, और थर्ड फैमिली जो है लेलिएसी, जिसमें जो है फैबिएसी को डिलीट कर दिया गया है, अंडरस्टैंड। ये आपके जो है जो पीडीएफ हमने आपको सेंड किया था ग्रुप में, उसको आकर के आप क्या कर लेंगे, उसको अच्छे से देख लेंगे, जिसमें कि फैबिएसी को डिलीट कर दिया, डिलीटेड पोर्शन में फैबिएसी है, अंडरस्टैंड। फैबिएसी को हमें नहीं पढ़ना है, अंडरस्टैंड। किसको किसको पढ़ना है, सोलेनेसी को पढ़ना है और लेलिएसी को पढ़ना है। तो आज हम फैमिली सोलेनेसी की बात करेंगे, अंडरस्टैंड। कि सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी में सबसे पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, इनफ्लोरिसेंस। इनफ्लोरिसेंस इसका कैसा है सोलेनेसी फैमिली के, यदि फ्लावर को हम लेते हैं तो सबसे पहले हम इनफ्लोरिसेंस से ही राइट करेंगे। इसमें तो राइट किया है आपका जो है स्टेम रूट लीफ, अंडरस्टैंड। स्टेम रूट लीफ को राइट किया है, लेकिन आप जो है जब प्रैक्टिकल आप करेंगे तो उसमें प्रैक्टिकल के बुक में या कहीं पर भी आपको डिस्क्रिप्शन करना है तो इनफ्लोरिसेंस से ही करेंगे, अंडरस्टैंड। उसके बाद इनफ्लोरिसेंस की कंडीशन क्या है आपके जो है सोलेनेसी में, सोलेनेसी में इनफ्लोरिसेंस कैसा है आपका, सॉलिटरी, सॉलिटरी। उसके बाद की कंडीशन क्या है, ये आपका साइमोस, साइमोस। साइमोस का मतलब होगा कि फ्लावर की ग्रोथ जो होती है लिमिटेड होती है और किसी प्लांट के टिप पर प्रेजेंट होते हैं, अंडरस्टैंड। इस तरह की फ्लावरिंग किसी प्लांट में पाई जाए तो उस तरह की कंडीशन, उस तरह का रेसिमोस क्या कहलाए, उस तरह का जो है इनफ्लोरिसेंस क्या कहलाएगा, साइमोस कहेगा, ठीक है। रेसिमोस में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन सॉलिटरी होगा और साइमोस होगा। दूसरी कंडीशन क्या मिलेगी आपको, दूसरी कंडीशन मिलेगी फ्लावर। अब ये फ्लावर को देख करके आप पता करें कि फ्लावर कैसा है भाई, फ्लावर बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल। उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक को भी मैंने बताया, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, अंडरस्टैंड। एक्टिनोमॉर्फिक बाईसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद थर्ड पोजिशन क्या मिला है आपको, कैलिक्स, अंडरस्टैंड। क्या मिला, कैलिक्स। कैलिक्स में क्या कंडीशन मिल गई इसकी, कैलिक्स में सेपल फाइव, सेपल फाइव, अंडरस्टैंड। ये क्या है, फाइव। और फाइव के बाद क्या दिया है, यूनाइटेड, यूनाइटेड, अंडरस्टैंड। और जहां पर सेपल फाइव हो और वो कैसे हो, यूनाइटेड है, तो यूनाइटेड का मतलब कि ज्वाइंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गेमोसेपलस, अंडरस्टैंड। उसका नाम क्या देंगे हम, गेमोसेपलस, कैलिक्स की कंडीशन, अंडरस्टैंड। और उसके बाद वॉल्वेट, वॉल्वेट एस्टिवेशन, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन कैसा है इसमें, वॉल्वेट एस्टिवेशन है, अंडरस्टैंड। और वॉल्वेट एस्टिवेशन के बाद अब कैलिक्स करोला की कंडीशन क्या होगी, करोला, करोला क्या होगा, करोला की कंडीशन भी आपका जो है पेटल फाइव, पेटल फाइव, अंडरस्टैंड। ये आपका जो है फाइव है, अंडरस्टैंड। और फाइव पेटल में क्या है, ये भी आपका यूनाइटेड है, यूनाइटेड, यूनाइटेड है, तो इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट में करेंगे। यूनाइटेड नहीं है, फ्री है, तो ब्रैकेट को वहां से क्या करेंगे, वहां से हटाएंगे, अंडरस्टैंड। तो ये आपका जो है यूनाइटेड, सेपल क्या हो गया,
इग्नाइटेड, अंडरस्टैंड। उसके बाद एम्ब्रोशियम, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तो ये आपका एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या मिलेगा भाई, एंड्रोशियम स्टेमेन फाइव, स्टेमेन फाइव, स्टेमेन क्या होगा फाइव। और उसके बाद ईपी पेटलस, ईपी पेटलस, अंडरस्टैंड ईपी पेटलस। गायनोशियम की क्या कंडीशन मिलेगी, ये आपका सिक्स, गायनोशियम, गायनोशियम की कंडीशन क्या मिलेगी, बाइकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, सिंकार्पस ओवरी, सिंकार्पस और एपोकार्पस हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, सिंकार्पस, सिंकार्पस ओवरी सुपीरियर, ओवरी कैसी है सिंकार्पस, तो ओवरी कैसी है सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ओवरी थैलेमस के टॉप पर प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे ओवरी सुपीरियर, अंडरस्टैंड। बाइलाकुलर, बाइलाकुलर, अंडरस्टैंड बाइलाकुलर। और मेनी ओव्यूल्स, मेनी ओव्यूल्स, अंडरस्टैंड बाइलाकुलर है। इतना पॉइंट आपको मिला और इसी पॉइंट पर आपका फ्लोरल फार्मूला भी तैयार होगा। इसमें आपका इनफ्लोरिसेंस कैसा है, सॉलिटरी मतलब एलोन, साइमोस रेसिफोस रेसिमोस है मतलब इसकी जो है फ्लावर की जो है ग्रोथ कैसी है लिमिटेड है। उसके बाद फ्लावर क्या है बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमार्फिक है, और एक्टिनोमार्फिक है तो इसका सिंबल हम क्या देंगे, इसका सिंबल आप जो है ऐसे देंगे एक्टिनोमार्फिक, अंडरस्टैंड। उसके बाद सेपल क्या है फाइव, फाइव में कैसा है यूनाइटेड, जब यूनाइटेड है तो इसको नाम क्या देंगे गेमोसेपलस, अंडरस्टैंड। बाल्बेट एस्टिवेशन, और बाल्बेट एस्टिवेशन का मतलब क्या हुआ कि एक जो है मार्जिन दूसरे मार्जिन से टच करेगी लेकिन ओवरलैप नहीं करेगी, अंडरस्टैंड। पेटल क्या है फाइव है, ये भी यूनाइटेड है तो ये गेमो पेटलस कहलाएगा, अंडरस्टैंड। स्टेमेन क्या है फाइव है और ईपी पेटलस है, मतलब पेटल्स जो है एक दूसरे पर क्या है ओवरलैप करेंगे, ठीक है, कैलिस के ऊपर जो है ईपी पेटलस। उसके बाद बाइकार्पेलरी मतलब टू कार्पेल प्रेजेंट है, किसमें गायनोशियम में, ये सिंकार्पस है। उसके बाद ओवरी कैसी है सुपीरियर है, और बाइलाकुलर मतलब टू लाक्यूल्स मिलेंगे, अंडरस्टैंड। अब आइए इसका फ्लोरल फार्मूला हम लोग बनाते हैं, अंडरस्टैंड, कि इसमें ये बता रहा है कि ये आपका एक्टिनोमार्फिक फ्लोरल फार्मूला, अंडरस्टैंड। फ्लोरल फार्मूला क्या है, ये क्या लग रहा है एक्टिनोमार्फिक, ये कंडीशन एक्टिनोमार्फिक, तो एक्टिनोमार्फिक का सिंबल क्या होगा ये ऐसे होगा, अंडरस्टैंड। एक्टिनोमार्फिक के बाद जो है बाइसेक्सुअल, अब ये आपका बाइसेक्सुअल, अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या है कैलिक्स फाइव है, कैलिक्स मतलब के, सिंबल क्या होगा इसका के फाइव, और ये फाइव आप राइट कर देंगे लेकिन ये इग्नाइटेड भी लिख रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे ब्रैकेट में राइट कर देंगे। अब कंडीशन क्या है करोला की, ये करोला है तो इसका सिंबल क्या है सी है, ए भी फाइव है इसको हम फाइव लिखेंगे, और ए भी फाइव होने के साथ जो है करोला भी क्या है यूनाइटेड है मतलब गेमो पेटलस है तो इसको भी हम क्या कर देंगे इसको ब्रैकेट में कवर कर देंगे, अंडरस्टैंड। उसके बाद कैलिक्स, उसके बाद एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की कंडीशन क्या है स्टेमेन फाइव, स्टेमेन फाइव, अंडरस्टैंड। और ये स्टेमेन फाइव है तो कंडीशन क्या है स्टेमेन फाइव की, ठीक है। अब ये स्टेमेन फाइव है तो ये ईपी पेटलस है, ईपी पेटलस का मतलब क्या हो गया कि अब यहां से जब ईपी पेटलस है तो इसको हम ऐसे कर देंगे, अंडरस्टैंड। इसका सिंबल क्या हो जाएगा ईपी पेटलस, एंडोशियम फाइव, गाइनोशियम, गाइनोशियम की कंडीशन क्या है बाइकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी मतलब बाइलाकुलर मतलब टू लाक्यूल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, बाइकार्पेल मतलब दो कार्पेल है, अंडरस्टैंड। अब ये दो कार्पेल है तो वो कैसे है सिंकार्पस है, सिंकार्पस, एपोकार्पस और सिंकार्पस की कंडीशन बताया था, तो सिंकार्पस में क्या कंडीशन होगी
ये आपका जो होगा यूनाइटेड होगा टू, अब ये यूनाइटेड की कंडीशन हो जाएगी। अब यूनाइटेड कंडीशन तो ओवरी कैसी हो जाएगी भाई, ओवरी सुपीरियर, तो ये कंडीशन क्या हो गई ओवरी सुपीरियर। दिस इज द फ्लोरल फार्मूला, अंडरस्टैंड। अब इस फ्लोरल फार्मूला को हम क्या करेंगे भाई, पढ़ेंगे हम कि फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोलेनेसी क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स फाइव यूनाइटेड और गेमोसेप्लस करोला फाइव यूनाइटेड या गेमोपेटलस एंडोशियम इपीपेटलस, अंडरस्टैंड, ईपी पेटलस मतलब ये जो है इस पर ओवरलैप कर रहा है, अंडरस्टैंड, इसको बोलेंगे ईपी का मतलब होता है ऊपर, अंडरस्टैंड, अपर पोजीशन, ईपी पेटलस मतलब पेटल क्या किया है कवर कर लिया है, तो उसको हम ईपी पेटलस कहेंगे। जिस प्लांट में इस तरह की कंडीशन होती है उस तरह का ऐसे सिंबल हम लगाते हैं, ईपी पेटलस। उसके बाद एंडोशियम कैसा है, फाइव कैसा है, फ्री है, अंडरस्टैंड। उसके बाद ये आपका गाइनोशियम बाइलाकुलर, अंडरस्टैंड, यदि बाई कार्पेलरी और बाई कार्पेलरी है तो इसमें क्या कंडीशन है, दो कार्पेल प्रेजेंट है, तो दो कार्पेल कैसे प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका सिंकार्पस दिया है मतलब यूनाइटेड हो, ठीक है, एपोकार्पस फ्री हो, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन, और ओवरी कैसी है, ये इंडिकेशन क्या दे रहा है, सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर। एक बार और पढ़ते हैं, ये आपका एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स फाइव यूनाइटेड करोला फाइव यूनाइटेड एंडोशियम इपीपेटलस फाइव फ्री एंड गाइनोशियम टू बाइलाकुलर यूनाइटेड ओवरी सुपीरियर, अंडरस्टैंड। इस तरह का हम इसको फार्मूला पढ़ते हैं इसको, अंडरस्टैंड। बाइलाकुलर की कंडीशन क्या होगी यहाँ पे भाई, कि बाइलाकुलर में ये आपकी ओवरी है, अंडरस्टैंड, तो ये आपका जो है क्या कंडीशन हो गई, ये पोजिशन हो गई और एक क्या हो गई, ये पोजीशन हो गई बाई लाक्यूल, एक लाक्यूल ये हो गया और एक लाक्यूल ये हो गया। यदि थ्री लाक्यूल होंगे तो क्या कंडीशन होगी, ये थ्री लाक्यूल, फोर लाक्यूल्स होंगे तो क्या होगी, फोर लाक्यूल्स, फाइव लाक्यूल्स होंगे तो क्या हो गए, फाइव लाक्यूल्स, अंडरस्टैंड। तो मतलब दो लाक्यूल बाई लाक्यूलर, थ्री लाक्यूल ट्राई लाक्यूलर, उसके बाद फोर लाक्यूल टेट्रा लाक्यूलर, फाइव लाक्यूल पेंटा लाक्यूलर, अंडरस्टैंड। इस तरह की कंडीशन जो मिलती है आपकी क्या मिलती है, ओवरी की मिलती है, अंडरस्टैंड। फ्लोरल डायग्राम 5+5, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपके सोलेनेसी फैमिली में होती है, इसमें करना क्या है आपको, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, और उसके बाद इतना ही आपको राइट करना है, अंडरस्टैंड बाय स्टूडेंट्स।